गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास इस्टे आई हैड गिवन यू अर वर्कशीट सो टुडे इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट वर्कशीट द टॉपिक वाज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्लासिफाई द थिंग्स इन द बॉक्स गिवन बिलो इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे इस बॉक्स में आपको कुछ नेम दिए गए थे आपको उनको क्लासीफाई करना था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में सो हियर इज़ द आंसर बच्चे लिविंग थिंग्स कौन कौन सी स्पैरो प्लांट्स कंगारू फ्रॉग काउ एंड नॉन लिविंग थिंग्स पेंट्स चेयर पेन एंड पेपर ठीक है बच्चे द सेकेंड क्वेश्चन वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट वॉज द नेचुरल एन्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट्स डैश बच्चे किसी लिविंग थिंग का जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं हैबिटेट सो हेर सो हेर विल कम हैबिटेट देन सेकेंड वॉज नॉन लिविंग थिंग्स टू नॉट डैश नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करती हैं देखो ब्रीथ नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करती हैं ब्रीथ वो सांस नहीं लेती देन थर्ड वॉज डेस गिव्स अस एनर्जी टू मूव एंड वर्क हमें चलने और काम करने के लिए एनर्जी कौन देता है कौन देता है बच्चे फूड देन फोर्थ वर्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ड्रिंक ड्रिंक को तब पीना जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको पीने के लिए क्या चाहिए बच्चे क्या चाहिए वाटर क्लियर देन लास्ट वर्स ऑल प्लांट्स रिक्वायर डैस टू ग्रो प्लांट्स को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए बच्चे Sunlight. So, so here is the answer, bichy. Uh, first is habitat, then breathe, then food, then water, and last is sunlight. I hope the solution is clear to all of you. Thank you, bata.